राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज मैं आया हूँ एमपी के अंदर भोपाल के अंदर आया हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, मतलब किसान सम्मेलन हो रहा है। तो ये देख रहे हो आप सामने बोर्ड, कृषि मंथन 6 राष्ट्रीय कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन 2022। और ये सम्मेलन हर साल होता है और यहाँ पे हज़ारों किसान आते हैं, कई प्रकार की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ भी आती है, कई तरह के किसान संगठन भी आते हैं। इसी तौर पे हमारे साथ में है, आपका नाम क्या है? जयेश जायसवाल। तो जयेश जी, आपका मिशन क्या है? कुछ बात बताने जा रहे थे आप। मेरा मिशन अगर एक लाइन में बोलूँ तो आम के आम गुठलियों के दाम है। किसान अपनी उत्पादन से, जैसे फल फूल सब्जी अनाज से तो कमाता ही है, लेकिन कचरे पे जो आग लगा रहा है तो वो कचरे से अतिरिक्त आय कैसे कर सकता है, जो कम से कम 1000 रुपये एकड़ से शुरू होकर के 5 से 10 हज़ार रुपये एकड़ तक जाती है, उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे आज जानकारी शेयर करी किसानों के साथ। और मैं स्वागत करता हूँ हर उस किसान का जो चाहता है उसके कचरे से भी उसको कैसे आमदनी मिले, उसके गाँव में रोजगार कैसे बढ़े, उसके गाँव में उद्यमिता कैसे आए, वो ईंधन में जो उसके ट्रैक्टर में लगने वाला ईंधन है वो खुद के यहाँ कैसे उगा ले, उसको ईंधन के लिए विदेश पर निर्भर न रहना पड़े और पर्यावरण की सुरक्षा हो, ये 4 उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया है कि कैसे क्लस्टर बेस्ड किसान मिल करके ईंधन, पर्यावरण और कचरे से आमदनी और ग्रामीण रोजगार। तो ये बेसिक तरह से बता दीजिए किसान भाइयों को। जी, जैसे क्या होता है, पराली है या गेहूं कटने के बाद या चावल कटने के बाद जो कचरा रह जाता है, उस कचरे को सबसे पहले इकट्ठा कैसे करना बिना कम लेबर लगा करके, वो इकट्ठा जो आपके पास कचरा आया है उसको आप या तो मार्केट में डायरेक्ट बेच सकते हो, अगर वो जानवर के खाने लायक है तो भूसे में चले जाता है, नहीं तो उसके पैलेट और ब्रिकेट बना करके, जो NTPC को अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि 5% उसको कम से कम जलाना है, NTPC या किसी भी कोल फायर्ड पावर प्लांट को दे सकते हो, कैसे उसी कचरे से आप CNG प्लांट चला करके अपने लिए CNG बना सकते हो जिससे ट्रैक्टर पिकअप गाड़ियां चला सकते हैं और बदले में आपको खाद भी मिलती है जिससे आपकी जमीन की उर्वरकता बढ़ती है। और ये सब काम को करने के लिए जो रोजगार का सृजन है वो भी ग्रामीण लेवल पे होगा। अच्छा, हाँ। और पूरा और बताओ ना, और चार बताए ना आपने। जी, 4 चीजें, ये पर्यावरण, हाँ। जो जल करके अभी पर्यावरण खराब हो रहा था, हाँ। वो पर्यावरण भी बचेगा, चौथी चीज ये। अच्छा अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपका भी परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये नाबार्ड ने एक सेंटर बनाया है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, उसमें हम लोग कार्यरत हैं। और जैसे कि आज आपने सर भी बता रहे थे, जो कृषि मंथन कार्यक्रम है इसमें ये हमारे बहुत देश और प्रदेश के हजारों किसान भाई और बहुत सारे FPOs आए हैं, बट अभी क्या मंथन में आपका अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत तो पता है कि हम लोग FPOs क्या अच्छा काम कर सकते हैं, बट जो समस्याएं हैं FPO की, उसको कैसे हम लोग उसका हल निकाल सकें, उसके लिए हमारा एक सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें हमारा आपका एक सुझाव, जो आइडिया होता है, आइडिया से लेके आपको हम लोग मार्केट तक कैसे आपको पहुँचाया जा सके किसी भी उत्पाद का, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसको बिजनेस और टेक्निकल मेंटरशिप प्रोवाइड कराना, हम लोग उसके बैंक में आप कैसे अपना कोई लाभ ले सकते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे हमारे किसान भाई और FPO ले सकते हैं, उसकी हम लोग मदद करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, आप दोनों के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दो, या कोई किसान भाई आप लोगों से बात करना चाहे। जी जी, तो कोई इतना छोड़िए। जी, तो हमारा, आप हमारे हमारे लिए, आप अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है www.caie.info। मेरा नाम आदित्य सिंह है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।